नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इस देश में दो देश बसते हैं, एक नेताओं का इंडिया और एक आम जनता का भारत। आम जनता के लिए हर नियम कायदा उन पर लागू होता है और नेताओं के लिए कोई नियम कायदा उन पर लागू नहीं होता। इस बात के कई सारे उदाहरण हमने देखे हैं और इस बात के भी उदाहरण हमने देखे हैं कि गोदी मीडिया इस देश में चाहे जिस मुद्दे को उतना बड़ा बना सकती है, उतना ज्यादा उछाल सकती है, और चाहे जिस मुद्दे को, जो उनके एजेंडे को सूट नहीं करता है, उस मुद्दे को दबा सकती है। ऐसी एक खबर, बड़ी खबर सामने आई है और आप उस खबर को देख करके चौंक जाएंगे कि किस तरह से उत्तराखंड से इतनी बड़ी खबर आई और उस खबर को दबा दिया गया। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी पत्नी अमृता रावत वो भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के स्टाफ के कर्मचारी और परिवार के सदस्य कुल मिलाकर के 22 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सतपाल महाराज के घर के बाहर 20 मई को एक पोस्टर चिपका दिया जाता है कि आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, आपको होम क्वारंटीन किया गया है। लेकिन हमको क्या, हमारा नाम सतपाल महाराज है, हम प्रदेश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, हम पर्यटन मंत्री हैं, हम घर से बाहर निकलेंगे, हमको कौन रोक सकता है। शायद इसी रसूख के चलते 20 मई को उनके घर के बाहर पर्चा चिपकाया जाता है, लेकिन 21 मई को सतपाल महाराज कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। इतना ही नहीं, 29 मई को एक बार फिर से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सतपाल महाराज कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं और इस मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे होते हैं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत। अब आप बताइए कि मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति किसी मीटिंग में मौजूद है और उसी मीटिंग में कोरोना पॉजिटिव भी है, और ये दोनों कोई आम व्यक्ति नहीं है, एक मुख्यमंत्री है, दूसरा कैबिनेट मिनिस्टर है। दो बड़े सवाल यहां पर उठते हैं। क्या मुख्यमंत्री को नहीं मालूम था कि उनका कैबिनेट मिनिस्टर कोरोना पॉजिटिव है? पहला बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, अगर मुख्यमंत्री को मालूम था तो क्या उन्होंने इस बात को नजरअंदाज किया जिसके तहत सतपाल महाराज कोरोना पॉजिटिव होते हुए उस मीटिंग का हिस्सा बने? ये दो बड़े सवाल है। लेकिन कहानी यहीं पर नहीं रुकती है। सतपाल महाराज, जो कि धार्मिक गुरु भी हैं, आध्यात्मिक गुरु भी हैं, उनके कुछ चाहने वाले, उनके कुछ भक्त दिल्ली से देहरादून पहुंचते हैं। 18 मई को सतपाल महाराज उनके लिए पास बनवाते हैं और उनको बुलाते हैं बाकायदा। दूसरी बड़ी खबर इसमें यह छुपी हुई है कि सतपाल महाराज के परिवार को ऋषिकेश के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है, लेकिन सतपाल महाराज अपने रसूख का इस्तेमाल करते हुए उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा लेते हैं। जब मीडिया का प्रेशर बनता है, जब ये बातें वहां की स्थानीय मीडिया में आती हैं, तो दोबारा से उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। सोचिए कि क्या खेल चल रहा है। एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति, उसको होम क्वारंटीन रहना चाहिए था बाकायदा। अगर होम क्वारंटीन नहीं तो हॉस्पिटल में कहीं पर उसको क्वारंटीन किया जाना चाहिए था, उसका इलाज किया जाना चाहिए था, लेकिन वो कैबिनेट की मीटिंग ले रहा है, मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के कर रहा है और उसके परिवार को उसकी मनमर्जी के मुताबिक डिस्चार्ज किया जाता है, फिर एडमिट किया जाता है। क्या खेल हो रहा है? क्यों? क्योंकि हम सरकार में हैं, इसलिए हमारे ऊपर कोई नियम कायदे लागू नहीं होते हैं। और अब हालात ये हो गए हैं कि उत्तराखंड की पूरी कैबिनेट को, मुख्यमंत्री को और 9 मंत्रियों को क्वारंटीन कर दिया गया है, पूरी सरकार को क्वारंटीन कर दिया गया है उत्तराखंड की। लेकिन इतनी बड़ी खबर को अभी तक आप तक नहीं पहुंचाया गया है। इतनी बड़ी खबर पर राष्ट्रीय मीडिया में कोई बड़ी जो है इस पर जगह नहीं मिल पाई है। कुछ वेबसाइट पर इस पर दिखाया गया है, मीडिया में भी कुछ हिस्सा जो है इसमें दिखाया गया है, लेकिन जिस गहराई के साथ में यह खबर दिखाई जानी चाहिए थी, जिस गंभीरता के साथ में इस खबर को दिखाना चाहिए था और जिस गंभीरता के साथ में सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए थे, जो सवाल हम यहां पर उठा रहे हैं कि क्या मुख्यमंत्री को पता नहीं था, अगर मुख्यमंत्री को पता था तो क्या उन्होंने नजरअंदाज किया, और किस तरह से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सतपाल महाराज होम क्वारंटीन के नियमों को तोड़ते हुए कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उन पर क्या कार्रवाई अभी तक हुई है, उनके परिवार को उनकी मनमर्जी मुताबिक डिस्चार्ज किया जाता है और एडमिट किया जाता है, ऐसा क्यों होता है, और इसको लेकर के सतपाल महाराज पर क्या कार्रवाई होगी? क्या इसीलिए कि वो एक रसूखदार मंत्री है, उनकी पत्नी भी पूर्व मंत्री और विधायक रह चुकी है, क्या इसीलिए सतपाल महाराज के लिए कोई नियम कायदे उन पर लागू नहीं होते हैं? और क्या इसीलिए, क्योंकि ये बीजेपी का मामला है, क्योंकि ये सत्ता का मामला है, इसीलिए गोदी मीडिया इस पर सन्नाटे के साथ में चुप्पी छा दे रखती है? सोचिए कि जमातियों के नाम पर
कितना हल्ला काटा गया था और जिस समय पर हमें तैयारियां करनी चाहिए थी और सरकार को तैयारियां क्या कर रही है सरकार और कहां पर कमियां रह रही है मीडिया को यह दिखाना चाहिए था। उस समय कितने घंटे मीडिया ने अपने कितने दिन अपने जमातियों के ऊपर खराब कर दिए और सोचिए कि यह मामला जमातियों से बड़ा है या जमातियों से छोटा है। जमातियों का जब मामला आया था तो उस वक्त जमातियों को यह नहीं मालूम था कि उनके अंदर कोई कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति है, लेकिन यहां पर सतपाल महाराज को मालूम था कि वो कोरोना पॉजिटिव है, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, उसके बावजूद वो मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे, उसके बावजूद मुख्यमंत्री की मीटिंग में जो है वो पहुंच जाते हैं। यह मामला ज्यादा गंभीर है या फिर जमातियों का मामला ज्यादा गंभीर था? एक सरकार, हम जमातियों को यह मान करके चल सकते हैं कि चलिए उनकी मनसा खराब रही होगी, हम ये मान करके चलते हैं, लेकिन जो व्यक्ति कैबिनेट मिनिस्टर है उसकी तो यह मनसा नहीं रही होगी कि वो कोरोना फैलाए, तो फिर उन्होंने अपने नियम क्यों तोड़े, उन्होंने क्वारंटाइन के नियम को क्यों तोड़ा, क्या उनकी मनसा क्या रही? क्या फिर वो जो ये कोरोना जिहाद, जिनको मीडिया ने कोरोना जिहाद का नाम दिया, क्या वो कोरोना जिहाद जो है वो उत्तराखंड में फैलाना चाह रहे थे? और मीडिया इस पर इसीलिए चुप्पी है क्योंकि बीजेपी का मामला है, सत्ता का मामला है, इसलिए आप हाथ नहीं लगाएंगे, इस पर सवाल नहीं उठाएंगे। क्या सिर्फ इतनी भर जो है वो आपकी जिम्मेदारी है? इसीलिए मैंने कहा कि इस देश में दो देश है, एक आम जनता के लिए और एक नेताओं के लिए। अगर आप नेता है तो आप पर कोई कार्रवाई नहीं बनती है और अगर आप आम जनता में है तो आप पर सारे नियम कायदे लागू होंगे। सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मन की मर्जी से एडमिट हो सकता है और डिस्चार्ज हो सकता है किसी हॉस्पिटल से। आज ऐसी ऐसी हालात में देख रहा हूं, कल रात को ही मेरे एक चाहने वाले का फोन आया और उनके एक परिजन को पूरी रात भर वो दिल्ली में घुमाते रहे। उन्होंने बताया कि उनको लक्षण थे लेकिन उनको कहीं पर जगह नहीं मिली, बेड नहीं मिला और आखिरी में रात में ही उनकी मृत्यु हो गई। इस तरह की हालात आम जनता के लिए है और एक नेता के लिए वो जब चाहता है अपने परिवार को एडमिट कराता है, जब चाहता है अपने परिवार को डिस्चार्ज कराता है, जब चाहता है वो कैबिनेट की भी मीटिंग में हिस्सा लेता है, जब चाहता है मुख्यमंत्री के साथ में बैठ के करता है, जब चाहता है जब अपने दिल्ली से आए हुए भक्तों को पास दिलवाता है, उनसे मीटिंग करता है, उनसे मुलाकात करता है। ये कोई मामूली आदमी नहीं है, ये बहुत बड़े धार्मिक गुरु हैं, सतपाल महाराज आध्यात्मिक गुरु हैं। मानव सेवा उत्थान समिति के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं जिसके लाखों सदस्य हैं और जिसमें ये ज्ञान नॉलेज, ज्ञान जैसा एक कोई इनका एक कॉन्सेप्ट है मेडिटेशन का, उस पर ये बखान देते हैं कि किस तरह से हम लोग अपने मन को जो है एकाग्र करें, ज्ञान देते हैं उस पर ये। लेकिन ये कितने अज्ञानी बने रहे कि इनको पता था कि इन पर इनको क्वारंटीन किया गया है, इनको कोरोना हो गया है और उसके बावजूद लगातार ये मीटिंग करते रहे, घूमते रहे, बाहर निकलते रहे। अगर कोई आम व्यक्ति होता तो उसका अब तक क्या हाल होता आपको मालूम है? उत्तर प्रदेश की सरकार ने कई सारे ऐसे व्यक्तियों के लिए कहा था कि हम उन पर NSA लगाएंगे जो कि होम क्वारंटीन का नियम तोड़ेंगे और घर से बाहर निकलेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा था। तो क्या आम जनता के लिए नियम कायदे अलग और सरकार के लिए नियम कायदे अलग, ये पूरी तरह से अब साफ है, आप इसको मानेंगे? और गोदी मीडिया जो एजेंडा सूट करेगा उसी को उठाएगा। इतनी बड़ी खबर, उत्तराखंड की पूरी गवर्नमेंट उसको क्वारंटीन कर दिया गया है, इतनी बड़ी खबर पर कहीं पर कोई हल्ला सुनाई नहीं देता है, कहीं पर कोई चर्चा सुनाई नहीं देती है, सोचिए। और दूसरी बड़ी खबर, दूसरी बड़ी बात आपको बताएं कि सतपाल महाराज ये वही व्यक्ति हैं जो कि 2017 की विधानसभा चुनाव में सबसे अमीर MLA थे, जिनका नाम एक वक्त में मुख्यमंत्री की रेस में था और जिनकी संपत्ति जो है वो 80 करोड़ रुपए बताई जाती है। इन्होंने अपने 2012 में इनकी जब बेटे की शादी हुई थी उस समय अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च कर दिए थे। ये सतपाल महाराज हैं। तो ये सीधे तौर पर एक रसूक का मामला है और शायद इसी का नतीजा है कि सतपाल महाराज जैसे लोगों को पूरी तरह से छूट मिलती है और उस छूट का वो नाजायज फायदा उठाते हैं और उनकी इस हरकत की वजह से अब ना जाने कितने लोगों को जो है वो कोरोना का जो दंश है वो झेलना पड़ेगा। अब पूरी कैबिनेट को जो है वो होम क्वारंटीन कर दिया गया है, सचिवालय को बंद कर दिया गया है, विधानसभा को बंद कर दिया गया है और सभी लोगों के अब टेस्ट जारी है। कितने लोगों को कोरोना हुआ है अब वो टेस्ट के रिपोर्ट के बाद में पता चलेगा। लेकिन दो बड़े संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर मीडिया को सूट करता है, अगर कोई इसमें हिंदू मुसलमान वाला एंगल होता या विपक्ष का कोई नेता होता तो इसको मीडिया प्रमुखता से दिखाता, गंभीरता से सवाल पूछता और नेताओं के कपड़े उतार लेता और जो और लोग होते उनके भी कपड़े उतार लेता। लेकिन जब सरकार का मामला है, बीजेपी का मामला है, तो इस पर
बड़े शांत तरीके से जो है कहीं कहीं पर इस पर खबर मिलती है, पूरी प्रमुखता के साथ में इस मामले को नहीं दिखाया जा रहा है। एक आम सामान्य व्यक्ति जिसको कोरोना बताया जाता है उसको उसके घर पर क्वारंटीन किया जाता है, उसके बाहर पोस्टर चिपका दिया जाता है, दिल्ली पुलिस का या कहीं पर जो स्थानीय पुलिस होती है दूसरे राज्य की वहां पर वो पहरा देती है और उसको नियम तोड़ने पर सजा भी मिलती है। लेकिन वहीं पर अगर आप सत्ता में हैं, आप रसूखदार हैं, तो आपके लिए कोई नियम कायदे नहीं है, यह पूरी तरह से साफ है। दूसरा, इसमें एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आरोग्य सेतु ऐप हर कोई डाउनलोड करेगा, अपने फोन में रखेगा, तो इसमें सवाल यह उठता है कि सतपाल महाराज ने अपने फोन में क्या आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड नहीं किया था? अगर सतपाल महाराज ने नहीं किया था तो क्या मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने अपने फोन में इंस्टॉल नहीं किया था? क्या पूरी कैबिनेट ने ही आरोग्य सेतु ऐप को इंस्टॉल नहीं किया था? और वहीं पर खबरें यह आई कि जो बॉर्डर पास करेंगे, जिन लोगों के पास सरकारी जो कर्मचारी है उनके पास आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, इस तरह की बातें सरकार की तरफ से कही गई थी। तो फिर क्यों मुख्यमंत्री स्तर का कोई व्यक्ति, कैबिनेट स्तर का कोई व्यक्ति, वो अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप क्यों नहीं रखता है? और उनके फोन में अगर आरोग्य सेतु ऐप था तो उनको पता क्यों नहीं चला कि कोरोना पॉजिटिव संक्रमित एक व्यक्ति उनके जो है संपर्क में है? क्यों नहीं पता चला? पूरी तरह से चूक है या इसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया, सबसे बड़ा सवाल यही है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।